नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देखें हमारा खास शो चार का चक्रव्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 साल से केंद्र की सत्ता पर बने हुए हैं। उनके कार्यकाल में एक तारीख बेहद खास बन गई है और ये तारीख है 5 अगस्त की। दरअसल साल 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद उन्होंने पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया था। वहीं बीते साल अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किया, जिसके बाद इस साल 5 अगस्त को क्या होने वाला है इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल मोदी सरकार ने बीते 2 सालों में ऐतिहासिक फैसले लेकर अपने विरोधियों को चौंका दिया है। वहीं क्या इस बार भी इस साल इस दिन कुछ ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा? क्या मोदी सरकार एक बार फिर कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेकर अपने विरोधियों को चौंका देगी? खैर ये तो शाम तक पता चल ही जाएगा। लेकिन क्योंकि आज राम मंदिर के भूमि पूजन का 1 साल पूरा हो गया है, तो चार के चक्रव्यू में आज बात इसी पर कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन को आज 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन में हिस्सा लिया था और अब वो 1 साल पूरा होने के मौके पर आज अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। उन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया और रामलला के दर्शन किए। उन्होंने आरती में भाग लिया और पूजन भी किया। बता दें अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पहुंचे और यहां का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन की वर्षगांठ के अवसर पर राम मंदिर में आयोजित विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए और रामलला की उन्होंने पूजा अर्चना की। और इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 400 लाभार्थियों को अन्न वितरण भी उन्होंने किया। साथ ही राम मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ पर रामलला को विशेष भोग लगाने के साथ ही नवीन वस्त्र भी धारण कराया गया है। बता दें राम जन्मभूमि के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि मनीष त्रिपाठी की ओर से भूमि पूजन की वर्षगांठ के लिए रामलला को सिल्क हैंडलूम कपड़े से बना पीला वस्त्र भेंट किया गया है। और बताया गया है कि इसके अलावा रामा दल के अध्यक्ष पंडित कल्की राम की ओर से भेंट की गई रामचरितमानस 20 दिन रामलला के दरबार में आने वाले अतिथियों को दी जाएगी। अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा है। माना जाता है कि बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया था और आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को काफी प्रभावित किया है। इसकी ही वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बनी, आरोपी भी तय हुए। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए किस साल में राम मंदिर को लेकर क्या कुछ हुआ। राम मंदिर का निर्माण हिंदू के लिए ऐतिहासिक पल इसलिए है क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाना किसी संघर्ष से कम नहीं था। इतिहास में भगवान राम के अवतरण की अलग अलग तिथियां और संदर्भ दिए गए हैं। एक बार भगवान राम के जन्म पर वैज्ञानिक और इतिहास के पन्नों से गुजरते हुए नजर डालते हैं और आपको ये बताते हैं कि कैसे पिछली 5 सदियों में अयोध्या का कालचक्र घूमा। 1528 से 1529 तक कहते हैं बाबर ने मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाया। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद बनवाया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहां मस्जिद बनवाई थी जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में भारत आया था। 1528 तक उसका साम्राज्य अवध तक पहुंच गया, जिसके बाद करीब 3 सदियों तक के इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स पर मौजूद नहीं है। 1853 जब पहली बार अयोध्या में दंगे हुए थे। कहा जाता है कि अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर पहले हिंदू मुस्लिम की हिंसा की घटना
1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़े ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे, लेकिन 1857 में आजादी के पहले आंदोलन के चलते माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया। ब्रिटिश सरकारों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। 1885 पहली बार जिला अदालत में पहुंचा ये विवादित मामला। मंदिर मस्जिद विवाद ने कुछ सालों में इतना गंभीर और भयावह हो गया कि मामला पहली बार अदालत में पहुंच गया। हिंदू साधु महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी। हालांकि अदालत ने ये अपील ठुकरा दी, जिसके बाद ये मामला गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता रहा। 1934 दंगों में क्षतिग्रस्त हुई थी मस्जिद की दीवार और गुंबद। इस साल फिर सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों में मस्जिद के चारों तरफ की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सरकार ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1949 जब हिंदुओं ने कथित तौर पर मूर्ति स्थापित की, सरकार ने लगवाया ताला। भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। कहा जाता है कि मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति हिंदुओं ने रखवाई। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया। फिर दोनों पक्षों के लोगों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और इसके बाद सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगवा दिया। 1950 अदालत से भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी गई। गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में अपील दायर कर भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी। महंत रामचंद्र दास ने मस्जिद में हिंदुओं द्वारा पूजा जारी रखने के लिए याचिका लगवाई और इसी दौरान मस्जिद को ढांचा के रूप में संबोधित किया गया। 1959 से 1961 दोनों पक्षों ने विवादित स्थल के हक के लिए मुकदमा किया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल के हस्तांतरण के लिए मुकदमा किया। वहीं मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक के लिए मुकदमा कर दिया। 1984 राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनवाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसी समय गोरखपुर को गोरखनाथ धाम के महंत अवैद्यनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। अवैद्यनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा था कि उसी पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मुक्त कराए। बाद में इस अभियान का नेतृत्व बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया था। फरवरी 1986 ताला खोलने का आदेश हुआ। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदू को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। जून 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दिया और वीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावों का मुकदमा किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 25 सितंबर 1990 आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में रुकी गई, गिरफ्तार हुए। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली ताकि हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराया जा सके। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। ढेरों इलाके कर्फ्यू की चपेट में आ गए। 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवा कर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंट अयोध्या भेजी गई और इसके बाद बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1919 अयोध्या में पहली बार कार सेवा हुई और गोलीकांड भी।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी और गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली। जून 1991 उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, सरकार भाजपा की बन गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार हार गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढहा दिया गया और देश में दंगे शुरू हुए। 30-31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा की गई। नवंबर में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। ये विवाद में ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है और इस रोज हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद ढहा दिया, अस्थायी राम मंदिर बना दिया गया और इसके बाद ही पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोगों भी मारे गए। 16 दिसंबर 1992 मस्जिद ढहाने की जांच के लिए लिब्रहान आयोग बना। मस्जिद को ढहाने के मामले को लेकर लिब्रहान आयोग बनाया गया और जज MS लिब्रहान के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। 1994 इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित केस चलना शुरू हुआ। सितंबर 1997 मस्जिद ढहाने को लेकर 49 लोग दोषी करार दिए गए। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल थे। 2001 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनवाने की तारीख तय की। बाबरी मस्जिद विध्वंस की परसी पर तनाव बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मार्च 2002 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। जनवरी फरवरी 2002 वाजपेयी ने मामला सुलझाने के लिए अधिकारी नियुक्त किया, गोधरा कांड हुआ। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठे हुए। फरवरी अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे उस पर गोधरा में हुए हमले में 50 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए थे। 13 मार्च 2002 सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। 15 मार्च 2002 सरकार को सौंपी गई शिलाएं। विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच इस बात पर समझौता हुआ कि विहिप के नेता सरकार को मंदिर परिसर से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंगल के नेतृत्व में लगभग 800 कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारी को अखाड़े में शिलाएं सौंपी। अप्रैल 2002 हाईकोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की। मई 2003 सीबीआई ने आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। शंकराचार्य ने मध्यस्थता का प्रयास किया पर विफल रहे। कांची पीठ के शंकराचार्य ने जयेंद्र सरस्वती ने मामला सुलझाने के लिए मध्यस्थता की। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि 1 महीने में इस मामले का हल निकाल लिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अगस्त 2003 मंदिर निर्माण के लिए विशेष विधेयक लाने का प्रस्ताव ठुकराया। भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने विहिप के इस अनुरोध को ठुकराया कि राम मंदिर बनवाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए।
अप्रैल जुलाई 2004 आडवाणी ने अस्थाई मंदिर में पूजा की। आडवाणी ने अयोध्या में अस्थाई राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जुलाई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। जनवरी जुलाई 2005 आडवाणी अदालत में तलब, अयोध्या में आतंकी हमला। लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। इसी साल जुलाई में अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले हुए जिसमें 5 आतंकियों सहित 6 लोग मारे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आडवाणी को तलब किया। इससे पहले उन्हें बरी भी कर दिया गया था। 28 जुलाई को आडवाणी इसी मामले में रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए। 4 अगस्त 2005 चार लोग न्यायिक हिरासत में भेजा। फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 20 अप्रैल 2006 सरकार ने लिब्रहान आयोग से कहा ये मिली भगत थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्रहान आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था। इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिली भगत थी। जुलाई 2006 बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाने का प्रस्ताव खारिज। सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और कहा कि अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। 19 मार्च 2007 राहुल गांधी बोले, नेहरू गांधी परिवार का पीएम होता तो मस्जिद न गिरती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरी होती। उनके इस बयान पर पूरे देश की राजनीति हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। 30 जून नवंबर 2009 लिब्रहान आयोग ने रिपोर्ट पीएम मनमोहन सिंह को सौंपी। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में जांच के लिए गठित लिब्रहान आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। इसी साल 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 जरूरी फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं। 24 नवंबर को लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया। नरसिंह राव को क्लीन चिट दी। 20 मई 2010 हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका खारिज हो गई। बाबरी विध्वंस के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई। 26 जुलाई 2010 अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सितंबर 2010 8 सितंबर को हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा की। 28 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला टालने की अर्जी खारिज की। 30 सितंबर 2010 कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों में बांट दिया गया। विवादित स्थल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें से एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को मिला। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई। मार्च अप्रैल 2017 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जानकारी दी गई कि राम मंदिर परिसर 107 एकड़ के क्षेत्र में बनवाया जा रहा है। पहले ये सिर्फ जगह 70 एकड़ की थी और इस मंदिर को काफी भव्य तरीके से तैयार किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखिए।
ट्रस्ट के मुताबिक श्रीराम जन्मभूमि परिसर के आसपास ट्रस्ट ने 7,285 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, जिसके बाद अब राम मंदिर परिसर का निर्माण 107 एकड़ में किया जाएगा। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि विवाद पर आए फैसले के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 70 एकड़ जमीन मिल गई थी, जो पहले केंद्र सरकार के अधीन थी, लेकिन अब ट्रस्ट की ओर से आसपास की कुछ और जमीन खरीदी गई है ताकि राम मंदिर परिसर को भव्य और विशाल रूप में बनाया जा सके। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रख दी थी। इसी के बाद से ही यहां पर काम किया जा रहा है। राम मंदिर का नक्शा पास हो गया है, नींव को लेकर काम किया जा रहा था और उसी हिसाब से डिजाइन में अपडेट भी किया जा रहा था। राम मंदिर परिसर में क्या क्या होगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर में करीब 5 एकड़ के इलाके में रामलला का मंदिर बनेगा। उसके अलावा अन्य क्षेत्र में कई अन्य मंदिर बनेंगे। यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी, म्यूजियम लाइब्रेरी जैसे स्थानों का भी निर्माण कराया जाएगा। मंदिर के लिए लंबे वक्त से पत्थरों को तराशने का काम किया जा रहा है, ये कंपनी कर रही है निर्माण। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने कई कंपनियों के साथ समझौता किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड को श्री राम मंदिर के निर्माण परिकल्पना और निर्माण हेतु नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मंदिर क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के लिए संबंध सेवाओं सुविधाओं के विकास के लिए क्षेत्र को विकसित करने के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के साथ ट्रस्ट का समझौता हुआ है। 44 दिनों तक चला चंदे का अभियान। ट्रस्ट की ओर से इसी साल के शुरुआत में मंदिर निर्माण के लिए देश भर से चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया गया था। ट्रस्ट के मुताबिक चंदा अभियान में करीब 2100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ है। ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निधि संपन्न अभियान चलाया गया था, जो कि कुल 44 दिनों तक चला और इसके तहत अलग अलग जगहों पर चंदों की पर्चियां काटी गई थी। ट्रस्ट के मुताबिक करीब 10 लाख टोलियों में 40 लाख कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी अभियान चलाया, जिसमें 2100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ है। तो इस तरह भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और जल्द ही लोग रामलला के दर्शन अब मंदिर में कर पाएंगे, क्योंकि जोरों पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। करीब 500 सालों तक चले विवाद और हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पिछले साल अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया था। राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राम सबके हैं और सब में हैं। मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही भारत के सबसे चर्चित और लंबे वक्त तक चले विवाद के एक तरह से पूरी तरह खत्म होने का ऐलान करते हुए उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि राम का सब जगह होना भारत की विविधता में एकता का जीवंत चरित्र है। आज एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि पीएम का वो भाषण जो पिछले साल उन्होंने अयोध्या में दिया था और जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर
घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति के आधार है श्री राम, भारत की मर्यादा है श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्ययुग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।